तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमेज बी टेक यूट्यूब चैनल। इमेज बी टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसमें उस लिस्ट में आपका नेम है या फिर नहीं है। जो कि आपका हाउस का लिस्ट रहता है, आपके पंचायत वाज लिस्ट में आपका नेम है या नहीं है। अगर है आपका नेम तो रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या, नहीं हुआ है, कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर को पता करें, कैसे आपके जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसमें आपका अकाउंट पर इंस्टॉलमेंट क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ, कैसे चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे इस वाले पेज पर आ सकते हैं, या फिर आप किसी एक गूगल सर्च ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सर्च मार में आपको टाइप करना है PMAYG, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMAYG लिख के आपको सर्च करने के बाद फास्ट में यहाँ पर जो लिंक आएगा फास्ट वाला, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं PMAYG, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वाले वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वाले वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको होम का आइकन मिल जाएगा, यहाँ पर अबाउट के साइड में आवास सॉफ्ट दिया हुआ है, इसके नीचे आपको डाटा एंट्री लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको मिल जाएगा रिपोर्ट, तो सिंपली आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ABC लिख के कुछ सेक्शन मिल जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले आपको हमारे को नीड है ए फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट, यहाँ पर सेकंड नंबर पर हाउस प्रोग्रेस अगेंस्ट दी टारगेट फाइनेंशियल ईयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल स्टेट जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपको अपना जो भी स्टेट है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है, तो सिंपली मैं अपना स्टेट सिलेक्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद नीचे आपको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको नीचे मिल जाएगा और एक ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक आपको यहाँ पर डाल देना है। देन उसके बाद आपको नीचे आएंगे और यहाँ पर आपका पंचायत का पूरा लिस्ट मिल जाएगा, तो यहाँ से मैं अपना जो पंचायत है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद ये जो कैप्चा इमेज दिया हुआ है इसे आपको यहाँ पर एक्यूरेट फिल कर देना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। देन उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे कुछ समय लगेगा प्रोसेस होने में, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको आपका जो पंचायत वाज लिस्ट है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा डाउनलोड PDF का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके जो कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर जिससे भी आप उसको निकाल रहे हैं उस पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ डाउनलोड PDF पर क्लिक किया है और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुका है, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा, यहाँ से आप अगर सर्च करके आपका नाम चेक करना चाहते हैं तो Ctrl+F पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ एक नेम, और यहाँ पर देख सकते हैं मैं सर्च किया है, तो ऐसे ही आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला जो नंबर है ये है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि ये घर रजिस्टर्ड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टॉक होल्डर, मेन वाले पेज पर आने के बाद यहाँ पर IAY/PMAYG बेनिफिशियरी, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना है, तो मैं Ctrl+V पर क्लिक करता हूँ एंड देन सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का सभी डिटेल्स आ जाएगा, ब्लिस के साथ बेनिफिशियरी नेम भी आ जाएगा, और यहाँ पर उनका फादर नेम, एज, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ईयर, यहाँ पर आवास प्लस ID, और यहाँ पर NREGA जॉब कार्ड नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपने खुद जॉब कार्ड नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी बैंक का आपका अकाउंट है, यहाँ पर दिया हुआ है अकाउंट स्टेटस वेरीफाइड हो चुका है। देन उसके बाद आप अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका जो इमेज है वो शो हो जाएगा, जब आपका जियो टैगिंग हुआ था वहाँ पर जो इमेज लिया था आपका घर का उसी इमेज यहाँ पर शो हो जाएगा। और अगर इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट पर क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का एक ऑप्शन था, अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पर अकाउंट पर इंस्टॉलमेंट क्रेडिट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इजीली आप अपने घर का जो लिस्ट है उसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए आप
अपना जो कार्ड नंबर कौन सी आपके घर के साथ लिंक किया गया है, सभी डिटेल्स यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।